देखिए 58 आरआर इंडियन आर्मी की जो बटालियन है उसकी तरफ से आज यहाँ बटोई हाई स्कूल में एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिया गया। देखिए 58 आरआर इंडियन आर्मी की जो बटालियन है उसकी तरफ से आज यहाँ बटोई हाई स्कूल में एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिया गया। वो इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवा के रखा था। अभी मुझे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि आके उसको इनॉग्रेट करें, तो मैं आज यहाँ आया यहाँ आके, क्योंकि यहाँ हमारे 250 स्टूडेंट हैं, 250 के अराउंड हाई स्कूल की स्ट्रेंथ है, उसमें से 135 जो है वो गर्ल स्टूडेंट्स हैं। गर्ल स्टूडेंट्स को टॉयलेट का ना होना या टॉयलेट का सही टॉयलेट का नहीं होना या सेपरेट टॉयलेट का ना होना हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है हमेशा ही। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और आर्मी की तरफ से भी हर वक्त ये कोशिश रहती है कि हम कहीं ना कहीं अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से ऐसी टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो है, खासकर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटीज़ जो है हम प्रोवाइड करें। तो उसी कड़ी में आज हाई स्कूल बटोई में यहाँ आपने देखा 58 आरआर की तरफ से यहाँ एक टॉयलेट कम्प्लेक्स बना और उसको हमने आज आके इनॉग्रेट करके बच्चों को दे दिया। बच्चे ही अब इसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, और वही इनको मेंटेनेंस भी करेंगे। मैंने रिक्वेस्ट की है टीचर से और स्टूडेंट्स से भी कि अब फैसिलिटी तो बन गई है, अब इसको मेंटेन भी रखना है, इसको साफ भी रखना है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब आई एम हाईली थैंकफुल टू 58 आरआर कि उन्होंने यहाँ इतने दूर दराज का हमारा ये स्कूल है, इस स्कूल में यहाँ पे एक हाई स्कूल में जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वो यहाँ पे इन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई है। स्कूल का आपने देखे बिल्डिंग जो है स्कूल की, चलो आपके सामने है, ठीक है, थोड़ा सा और कुछ लैंड के और ये जो डिमोलिश्ड बिल्डिंग्स हैं, अनसेव बिल्डिंग्स हैं, ये मैंने देखी है। मैंने डायरेक्शन दे दी इनको कि आप इनको ऑक्शन करवाएं अपने अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ से परमिशन लेके, और इसका जो पैसा है वो इसी स्कूल की बेटरमेंट के लिए, इसी की मेंटेनेंस के लिए आप लगाएं। जो स्कूल के लैंड का इशू है अभी इन्होंने मेरी नॉलेज में लाया है, वो भी मैं जाके एक उसका जो है वो डिटेल रिव्यू ले लूँगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उसमें क्या है बुक्स में क्या है और एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है। और ये लोग भी बहुत मतलब कोऑपरेटिव हैं, रेडी हैं कि अगर मतलब और ये जो है ग्राउंड वाली जगह अगर इनके पार्ट पे है, अगर ये तो ये डोनेट करने के लिए जो है बिल्कुल रेडी हैं। हमने इनसे भी रिक्वेस्ट की है। ड्यूटी में आपको एक हैंडसम सैलरी अमाउंट मिलती है और उसके साथ जस्टिफिकेशन करें, अगर 50% भी जस्टिफिकेशन कर पाएंगे हमारे टीचर्स तो लगता है कि हमारे इस इन एरियाज़ में जो है बच्चों का अच्छा मुस्तकबल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।